यहाँ पर बैठे लोगों को यह नहीं पता है कि कितना स्कोर हुआ है, कौन सा खिलाड़ी क्या विकेट लिया है और कौन सा खिलाड़ी क्या रन बनाया हुआ। 27 साल बाद अगर मैच हुआ तो इसको सुसज्जित क्यों नहीं किया गया, जंगल घोषित किया जाए, जंगल जंगल। ईशान किशन बिहार के, खेलते कहाँ से है, झारखंड से। मुकेश कुमार बिहार के लेकिन खेलते कहाँ से है, बंगाल से। हो गया, यहाँ का सरकार मृत प्राय है, सब काम नहीं कर रहा है, खाली सब सोया हुआ है, सब अधिकारी सब क्या कर रहा है, देखिए तो जंगल है, मृत प्राय हो गया है। अब बताइए इसमें जंगल में बैठेंगे जी, मच्छर से न चुआएंगे, ये अच्छा लग रहा है। 27 साल बाद बिहार के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम मोइनुल हक में आज एक रणजी का मैच खेला जा रहा है। 1996 में केन्या और जिम्बाब्वे के बीच में मैच हुआ था, तब से ये मैदान जो है जंगल बन गया था, लेकिन रणजी का जब मैच हुआ तो इस मैच को कराने के लिए यहाँ पर इसको साफ सूफ करके काट पीट कर जो है बराबर कर दिया गया। बिहार के लोगों में उत्साह है इस मैच को देखने के लिए, लेकिन बिहार के सरकार को और इसके बाद केंद्र की सरकार को यहाँ जरा भी उत्साह नहीं है मैच करवाने के लिए। एक बार उस स्कोर बोर्ड को दिखाइए, वो स्कोर बोर्ड है जहां पर से ये बताया जाता है कि कौन सा खिलाड़ी कितना रन बनाया और कौन सा खिलाड़ी कितना विकेट लिया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस स्कोर बोर्ड में सांप बैठा है या नेवला या बिजखोपड़ा किसी को नहीं पता है। यहां बिहार के तमाम लोग हैं जो इस मैच को तो देखने आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग ढंग से बैठ नहीं सकते हैं। ये बैठेंगे तो इनको इस बात का डर है कि इसमें से सांप निकलेगा या बिच्छू या इनको काट खाएगा, इनको चबा लेगा, कुछ नहीं पता है। इन लोगों के अंदर उत्साह है लेकिन 27 साल बाद भी जर्जरता पर जो है ये स्टेडियम आज भी रो रहा है। गलती किसकी, तो बीसीसीआई यानी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की। गलती किसकी, तो बीसीसीआई की। और यही कारण है कि आज जो है यहां पर 27 साल बाद मैच तो हो रहा है लेकिन जो है यहां पर कोई बैठ नहीं सकता है। मुंबई और बिहार के बीच में ये रणजी का मैच खेला जा रहा है, आज तीसरा दिन है, तमाम लोग यहां पर खड़े होकर मैच देख रहे हैं। शायद से इनसे 10-10 20-20 50-50 100-100 रुपया लिया गया होता तो इनको बैठने की उचित व्यवस्था की गई होती तो ये लोग इस मैच का आनंद भरपूर तरीके से ले रहे हैं। हमको नहीं पता कि हम एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के दर्शक दीर्घा में खड़े हैं या किसी जंगल में खड़े हैं। ये दिखाइए एक बार झाड़ियां, ये झाड़ियों को दिखाइए और ये आपको पता लग जाएगा कि ये जो है झाड़ी, ये झाड़ी जो है, हल्ला मत कीजिए, ये झाड़ी जो है ये जंगल बन गई है। अब सोचिए इसमें आग लगाकर जो है इसको जलाया गया है, कटवाया तक नहीं गया है। आज सबसे बीसीसीआई जो है वो देश पूरे विश्व के सबसे बड़ा जो है, सबसे बजट वाला जो है बोर्ड है बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बिहार के स्टेडियम को सही कर सके। दुर्भाग्य का बात है कि आजादी के 75 साल बाद भी आज बिहार का खुद का एक ढंग का अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम तक नहीं है। और यही कारण है कि हाल फिलहाल में सेलेक्ट हुए मुकेश कुमार जो गोपालगंज के लाल है वो बंगाल की तरफ से खेलते हैं, ईशान किशन जो बिहार के है वो झारखंड की तरफ से खेलते हैं। और यही कारण है कि बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जाता है, क्रिकेट में इन लोगों का कोई भविष्य नहीं है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जीता जागता उदाहरण है और इसका प्रत्यक्ष और प्रमाण आपको दिख रहा है। देखिए स्कोर बोर्ड दिखा दीजिए, यहां पर बैठे लोगों को यह नहीं पता है कि कितना स्कोर हुआ है, कौन सा खिलाड़ी क्या विकेट लिया है और कौन सा खिलाड़ी क्या रन बनाया हुआ है। शोर मत कीजिए, आपको अच्छा लग रहा है स्टेडियम? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा स्टेडियम और कहीं देखा है? मोदी जी और अमित शाह जी के बेटे जयशाह जी, क्या आपको गुजरात इसके बाद दिल्ली में ही क्रिकेट स्टेडियम बनाने का पैसा है? बिहार के लोगों के को क्रिकेट का सम्मान जो इतना लोग करते हैं, यहाँ पर बिहार के लोगों को क्रिकेट देखने का और खेलने का अधिकार नहीं है क्या? अब बताइए इसमें जंगल में बैठेंगे जी, मच्छर से न चुआएंगे, ये अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अच्छा लग रहा है? नहीं, एकदम अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जो है तुषार देशपांडे, शिवम दुबे, इसके बाद अजिंक्य रहाणे आए हैं, आज बिहार की छवि क्या हो रही होगी? अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इस मैच के ऊपर निगरानी है और आज बिहार की छवि जो है बिहार से निकल कर क्या जा रही है कि बिहार इतना गंदा है कि यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, एक स्टेडियम नहीं है। लास्ट मैच 1996 में जब हुआ था केन्या और जिम्बाब्वे के बीच में, तब अंतरराष्ट्रीय मैच हुआ था और 27
22 साल बाद अगर मैच हुआ तो इसको सुसज्जित क्यों नहीं किया गया? अगर देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री कहीं जाता है तो रातों रात सड़क बन जाती है, तो क्या बिहार के लोगों के लिए ये बैठने की जगह नहीं बनाई जा सकती थी? क्या बनाई जा सकती थी? नहीं बनाई जा सकती। स्टेडियम अच्छा लग रहा है? नहीं नहीं। अगर 10-10, 50-50 रुपए आपसे लिया जाता तो देते? बिल्कुल देता, बिल्कुल देता। हाँ देते भैया, आपको जंगल घोषित किया जाए, जंगल जंगल। स्टेडियम का मोदी जी, बीसीसीआई के अध्यक्ष जैसा जी, स्टेडियम कम बल्कि जंगल ज्यादा लग रहा है। और इस जंगल में बिहार के लोग क्रिकेट देखकर उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य का बात है कि आज भी बिहार के लोगों को क्रिकेट खेलने के लिए बिहार से बाहर जाकर, बिहार से बाहर की नागरिकता लेकर जो है अन्य राज्यों से क्रिकेट खेलना पड़ता है। ईशान किशन बिहार के, खेलते कहां से है? झारखंड से। मुकेश कुमार बिहार के, लेकिन खेलते कहां से है? बंगाल से। तो बिहार के लोगों को बिहार में क्रिकेट का मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता? अभी किस जाएगा सचिव? नहीं बिहार में वो ऐसा साधन चल रहा, जंगल राज है बिहार में। जंगले आप पूरा बिहार में देखिएगा, इससे बढ़िया हाँ पूरा जंगल राज है यहाँ। 25,000 दर्शक इसमें बैठ सकते हैं। कितना दर्शक बैठ सकते हैं? 25,000। अगर 25,000 दर्शकों से 100-100 रुपया लिया गया होता ना जी, तो जानते हैं कितना रुपया हो गया होता? 25,000 × 100 कर लीजिए, 2,50,000। 2,51,000, 10,000,00,000, 2,50,000 रुपया होता। 2,50,000। यस। अभी 100 रुपया सब देने की क्षमता रखते 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 लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि अधिकारी कर्मचारी बीसीए के अध्यक्ष, बीसीसीआई के अध्यक्ष कुर्सी पर बैठेंगे टकवा टप, और बिहार का स्टेडियम रहेगा खटा खट, जंगल रहेगा। यहाँ का खेल मंत्री भी है ना, वो भी नहीं ध्यान देता, नया को भी ध्यान देना चाहिए। खेल मंत्री जी कहाँ है? आइए ना, देखिए एक बार क्रिकेट की इस इतिहास को, इस स्टेडियम। हमारा बिहार में फूकेंगे नहीं कट्टा कपार में, प्यार से स्वागत करेंगे। देखिए स्टेडियम का क्रिकेट बोर्ड दिखाइए, ये जो 22 खिलाड़ी मैदान पर उतरे हैं ना, उनको ये नहीं पता कि स्कोर कितना है। बेचारे एम्पायर भूल जाता होगा कि स्कोर कितना है, है? नहीं पता। स्कोर के बारे में कुछ पता नहीं चलता है यहाँ। खोलना पड़ रहा है क्रिकेट। इधर दिखाइए, ना सुरक्षा का कोई जिम्मेदारी है, ना कोई सुरक्षा का दृष्टिकोण है, ना बाथरूम है, ना शौचालय है, टूटी फूटी कुर्सियां ये बता रही है कि बिहार का विकास आजादी के बाद कितना हुआ है। अगर बिहार का विकास हुआ होता तो शायद से इस स्टेडियम का भी विकास हुआ होता, लेकिन बिहार में क्रिकेट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दलाली होती है, और बिहार में क्रिकेट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जाता है, और उसका जीता जागता उदाहरण एगो स्टेडियम है, मोइनुल हक स्टेडियम। इस वक्त ये स्कोर बोर्ड देखिए, इस स्कोर खाली बोतल है, बोतल रखा हुआ है ना, बोतल है जी, शराब पे बोतल है, इसमें जांच किया है, शराब पे बोतल है इसमें। यहाँ का खेल मंत्री को भी चाहिए ना, खेल मंत्री को भी चाहिए ना कि मैच हो रहा है आके देख ले, तो उन सबके तो पता नहीं है ना, ना उनका ध्यान कहाँ रहेगा? बिहार के ऊपर किसी का ध्यान नहीं रहता है। अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनेगा सबसे बड़ा तो गुजरात में, बिहार के लोग जाकर बंगाल से खेलेंगे, झारखंड से खेलेंगे, लेकिन बिहार में स्टेडियम नहीं होता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बिहार में सबसे ज्यादा क्रिकेट खिलाड़ी निकल सकते हैं अगर उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, बिहार के लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम मिल जाए, तो बिहार के लोगों को बेहतर से क्रिकेट यहां पर देखने को मिल सकता है। इस स्टेडियम को दिखाइए, ये खिलाड़ी आज आए हैं, ये मुंबई से आए हैं, या क्या प्रतिबिंब बनाकर लेकर जाएंगे बिहार के प्रेस कि बिहार का स्टेडियम ऐसा था? अरे बिहार का, अरे आजादी के बाद साल 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ, उसका एक क्रिकेट स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय, लेकिन बिहार का कोई स्टेडियम नहीं। चलिए धोनी निकले थे ना, क्योंकि वहां से धोनी थे। अच्छा स्टेडियम अच्छा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। मृत प्राय हो गया यहाँ का सरकार, मृत प्राय है, सब काम नहीं कर रहा है, खाली सब सोया हुआ है, सब अधिकारी सब क्या कर रहा है? जंगल है, मृत प्राय हो गया, नौटंकी कर रहा है। देखिए ये देखिए, पहले से मालूम नहीं था कि यह मैच होने वाला है, बताइए था। यार इतना अच्छा खेला है, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं क्या स्कोर हुआ है। बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सही कह रहे, खिलवाड़ हो रहा है। शर्म आ रही होगी ना कि हम बिहारी, जी शर्म आ रही है।
जी जी एकदम आ रही है। मेरी के लिए शर्म की बात है, मैं 1982 से मैं आ रहा हूँ, मैं 1982 से मैं इस ग्राउंड में आ रहा हूँ। जो स्थिति है वही गंदगी जो पूर्व से आज तक भी यही गंदगी है। 25,000 दर्शक इसमें बैठ सकते हैं। 1969 और 70 के बीच में करोड़ों रुपए की लागत से स्टेडियम बना। वो पैसा कौन दिया करोड़ों रुपया? ये हम गमछिया खरीदे ना तो उसके टैक्स का पैसा हम दिए थे, लेकिन हमारे टैक्स के पैसे को इस तरीके से बर्बाद किया जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। सोचा था आपने? नहीं जी नहीं, नहीं सोचा था। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा स्टेडियम कहीं देखे ना? देखे कहीं? नहीं। आप देखे नहीं कहीं? नहीं। ऐसा स्टेडियम नहीं देखे भैया? नहीं देखे? नहीं नहीं देखे होंगे, क्योंकि बिहार है और बिहार में सब कुछ संभव है। इससे भी जर्जर स्थिति स्टेडियम की है। आज इसको मैं दिखाने का प्रयास इसलिए कर रहा था कि बीसीए के अध्यक्ष और बीसीसीआई के अध्यक्ष और क्रिकेट और खेल मंत्रालय से जुड़े तमाम लोगों के दिमाग पर कम से कम जू रहेंगे और वो लोग इसको बनवाने का प्रयास करेंगे। बताइए, एक सोना चांदी थोड़ी है, ये माटी है, कचड़ा। इसमें बिहार का लोग मैं देखेगा रे पगला। 27 दिसंबर 2 जो है फरवरी 1996 के बाद यहाँ मैच नहीं हुआ। अरे कम से कम इसका सही सलामत इसका संरक्षण तो कर सकते थे, इसका भविष्य तो उज्जवल कर सकते थे। क्रिकेट का तो भविष्य अंधकार में डाल दिया है बिहार के लोगों, लेकिन कम से कम इस स्टेडियम को अच्छा बना सकते थे। मुंबई आई थी तो उनके सामने से अच्छे स्टेडियम को प्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन तुमको क्या पड़ा? तुमको तो मलाई मिलता रहेगा, दलाली के नाम पर पैसा मिलता रहेगा और बर्बाद होगा कौन? तो गरीब मजदूर किसान के बेटों का भविष्य बर्बाद होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।